गुड मॉर्निंग डियर किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 19. राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. चिल्ड्रन, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन द एक्सपेंडेड फॉर्म विथ एग्जाम्पल्स एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पेज नंबर 7. नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर 3 डिजिट नंबर. So we have 3 digit number. First one is example, which is already given. 734 means 734. So 700 plus 30 plus 4, or 700 plus 3 tens, 4 ones. The first one is example and it is already done for you. Now we move to page number 20 and we'll do the second part. Then part B is 907. First we write ones, tens and 100. So what is this 100 place? 9. So we write over here 900. What is at the tens place? 0. So we will write 0. What is at the 7th place? 1. 1's place? 7. So we will write 7. Same over here. What is at the 100 place? 9. Over here 0. Over here 7. Now the other one is C part is 135, means we will write ones, tens and 100. So it becomes 135. So we are going to write over here 100. 3 is at the tens place, so we will write 30, and 5 is at the ones place, so we'll write 5. So we have over here 1 is at the 100 place, so we write 100. 3 is at the tens place, so we write 3 tens. And 0 is at the ones place, so we write 5 is at the ones place, so we will write 5. Now the second one, ones, tens and 100. अब फिर से देखिए बच्चों, 100 की प्लेस पे 2 है तो हम यहाँ पर 200 लिखेंगे. टेंस की प्लेस पे 2 है तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे. वंस की प्लेस पर 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे. अब 100 के लिए हम 200, यहाँ पर क्या है 2, तो हम 2 लिखेंगे. यहाँ पर 8 है तो हम 8 लिखेंगे. अब कैसे पता चलेगा हमें कितने जीरोज लगाने हैं? अब देखिए अगले वाले पार्ट में पहले वंस टेंस हंड्रेड लिख लेते हैं. 6 है तो हमने 6 लिखा. कितने डिजिट है 6 के बाद? 1 और 2, तो हम 2 जीरो लगा देंगे. 1 है, 1 के बाद कितने जीरो लगाने हैं तो कैसे पता चलेगा? 1 के बाद कितनी डिजिट है? 1, तो हम 1 जीरो लगा देंगे. 8 है, 8 के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो हम 8 का 8 लिख देंगे. ये इजी वे है करने का. जो डिजिट लिख रहे हैं हम, उसके बाद जितनी डिजिट आती है हम उतने जीरो लगा देंगे. ठीक है, चलिए अब ये वाला करते हैं. 100 की पोजीशन पे 6 है तो हम 600. टेंस की पोजीशन पे 1 है तो 110. वंस की पोजीशन पे 8 है तो 8 वंस. चलिए नेक्स्ट करते हैं. वंस, टेंस एंड 100. 9 है 100 की पोजीशन पे तो 9, और कितने डिजिट है 9 के बाद? 2, तो हम 2 जीरो लगा लेंगे. 900 हो गया. 4 टेंस की पोजीशन पे है तो हम 40 लिखेंगे. 3 वंस की पोजीशन पे है तो हम 3 का 3 रहने देंगे. अब देखिए 9 किसकी पोजीशन पे है? 100 की. 4 10 की. 3 वंस की. अब अगला देखिए, वंस, टेंस और 100. 100 की पोजीशन पे 8 है तो 8 लिखेंगे. कितने डिजिट है 8 के बाद? 2, तो हम 2 जीरो लगा देंगे. 6 की पोजीशन, टेंस की पोजीशन पे क्या है? 6. कितने डिजिट है? 1, तो हम 1 जीरो लगाएंगे. 7 वंस की पोजीशन पे है तो हम यहाँ लगेंगे. अब देखिए 100 की पोजीशन पे 8 तो 800.
सिक्स टेंस की पोजीशन पे, तो सिक्स टेंस, सेवन वंस, तो सेवन वंस। ऐसे ही नेक्स्ट करिए, वंस, टेंस एंड हंड्रेड, फाइव हंड्रेड की पोजीशन पे, तो फाइव हंड्रेड, टेन टू की पोजीशन पे, तो ट्वेंटी, सिक्स वंस की पोजीशन पे, तो सिक्स। वैसे ही यहाँ फाइव हंड्रेड, यहाँ टू टेंस और यहाँ पर सिक्स वंस। अब आप कॉपी कर लीजिए अपनी बुक में, आज की डेट डालिए बुक के ऊपर ही, कॉपी कर लीजिए और अब हम इसे अपनी क्लास का कॉपी में कॉपी करेंगे। वन लाइन लीव करिए, मार्जिन में डेट डालिए आज की, पेज नंबर नंबर डालिए 19 और क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। चलिए पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, ए कॉपी करिए, 7, 3, 4 लिखिए ऊपर कलर पेंसिल से, वंस, टेंस एंड हंड्रेड। सो 7 की पोजीशन 100 है, तो 700 प्लस टेंस की पोजीशन पे 3 है, तो 30 प्लस वंस की पोजीशन पे 4 है, तो 4। इक्वल टू का साइन डाल के लिखिए, 700 प्लस 3 टेंस प्लस 4 वंस। चलिए अब बी डालिए, वन लाइन लीव करके बी कॉपी करिए, 907 हंड्रेड की पोजीशन पे, तो 900, टेंस की पोजीशन पे 0, तो 0, वंस की पोजीशन पे 7, तो हम 7 लिखेंगे, 900, 0, 10, 7, वंस। चलिए वन लाइन लीव करके नेक्स्ट कॉपी कीजिए, 1, 3, 5। अब देखिए 100 की पोजीशन पे 1 है, तो 100 प्लस टेंस की पोजीशन पे 3 है, तो 30 प्लस वंस की पोजीशन पे 5 है, तो 5। और 100 3 टेंस प्लस 5 वंस। अब वन लाइन लीव करिए और नेक्स्ट कॉपी करिए। ऐसे ही आपको पूरे एच तक के कॉपी करने हैं अपनी क्लास का कॉपी में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। जैसे बुक में कॉपी किया है वैसे नहीं करने हैं, जैसे हमने क्लासवर्क में कॉपी किया है इस तरीके से आपको क्लास वर्क कॉपी में कॉपी करने हैं। आप अपनी क्लासवर्क कॉपी में लिखिए नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से, पेंसिल की हेल्प से, और जो कलर्ड पोर्शन है वो कलर पेंसिल से आपको करना है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।